तो हेलो गाइस, आज मैं आपको इंडिया और नेपाल की बाइक प्राइसेस के बारे में डिफरेंस बताऊं, कितना डिफरेंस है इनके प्राइसेस में। तो सबसे पहले हमारे पास आती है हीरो स्प्लेंडर प्लस, जो कि नेपाल में भी बहुत ज़्यादा बिकती है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बिकती है। तो इसकी नेपाल में जो इसका प्राइस है वो है 1,42,900 रुपीज़, एंड जो इंडिया में इसका प्राइस रखा गया है एक्स शोरूम प्राइस वो है 51,000 रुपीज़, जो कि एक्स शोरूम प्राइसेज है दोनों के, नेपाल में भी और ये इंडिया में भी। जो नंबर टू पे जो हमारे पास बाइक आती है वो है बजाज पल्सर 150, जिसका नेपाल में 2,40,900 रुपीज़ प्राइस है, एंड जिसका इंडिया में प्राइस है 79,300 रुपीज़। और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास जो बाइक आती है वो है बजाज पल्सर NS160, जिसका नेपाल में प्राइस चल रहा है 2,60,000 रुपीज़, एंड जो इंडिया में इसका प्राइस है वो है 87,300 रुपीज़। फोर पे हमारे पास आती है TVS अपाचे RTR 180, जिसका नेपाल में प्राइस है 2,51,900 रुपीज़, एंड जो इंडिया में इसका प्राइस है वो है 82,683 रुपीज़। और जो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो बाइक आती है वो है बजाज पल्सर 200 RS 200, जिसका नेपाल में प्राइस है लगभग 4,00,000 रुपए। तो इसका एग्जैक्ट प्राइस है वहाँ का 3,99,900 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ कम है बस 4,00,000 में। और जो इसका इंडिया में जो प्राइस है वो है 1,43,000 रुपीज़। एंड जो नंबर सिक्स हमारे पास बाइक आती है वो है बजाज पल्सर 220F, जिसका नेपाल में जो प्राइस है वो है 2,91,900 रुपीज़, एंड जो इसका इंडिया में जो प्राइस है वो है 93,070 रुपीज़। एंड जो नंबर सेवन पे हमारे पास जो बाइक आती है वो है यामा FGS वर्जन 2.0, जिसका नेपाल में प्राइस है 2,64,400 रुपीज़, एंड इसका इंडिया में प्राइस है 84,000 रुपीज़। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं इन बाइक्स का प्राइसेस में कितना डिफरेंस है, मतलब डबल से भी ज़्यादा प्राइस इनका। और जो अगली बाइक है जो हमारे पास नंबर एट पे वो है यामा R15 वर्जन 2.0 है ये भी, तो इसका नेपाल में प्राइस है 3,42,900 रुपीज़, एंड इसका इंडिया में प्राइस है 1,20,000 रुपीज़। और जो नंबर नाइन पे आती है हमारे पास सुजुकी जिक्शर SF, जिसका नेपाल में प्राइस है 2,76,900 रुपीज़, एंड इसका इंडिया में जो प्राइस है वो है 1,08,748 रुपीज़। और जो लास्ट हमारे पास जो बाइक है पल्सर NS200, जिसका नेपाल में प्राइस है 2,93,900 रुपीज़, और जिसका इंडिया में प्राइस है 1,14,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं अभी कितना डिफरेंस है इंडिया और नेपाल की बाइक्स में। तो मतलब वो कार के दाम में तो बाइक खरीद रहे हैं बेचारे, तो अब पता नहीं इतनी महंगी क्यों है, वो तो शायद आगे अगली वीडियो में बताएंगे हम आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।